जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। यहाँ पर अपन जीवनी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य में, जीवनी विधा से संबंधित, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, YouTube चैनल में आज के वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है 10 बजे रात्रि में, और यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है आपके। तो चलिए देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मिला तेज से तेज की लेखिका आपके लिए बताना है कौन मानी जाती है। चयन करना है आपके लिए, चार विकल्प आपके दिए गए हैं, क्या होगा सही राइट आंसर बताइए। क्या होगा सही राइट आंसर सभी लोग चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का सही राइट आंसर आ रहा है या का, यहाँ पर क्या होगा सही राइट आंसर बताइए। मिला तेज से तेज शोभा कांत, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर सुधा अरोड़ा या सुधा चौहान। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आप सभी का यहाँ पर, कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है 6 और 6 में आप सभी का सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर जिन्होंने भी डी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है सुधा चौहान, आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो विकल्प नंबर डी आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिएगा इरा। क्वेश्चन नंबर 7, आवारा मसीहा में किसकी जीवनी है, किसकी जीवनी है ये आपसे पूछा गया है बताइए। तनु जी, अनीता जी, लवली जी, क्या होगा सही राइट आंसर। सरिता यादव जी, अमृतलाल नांगर, बंकिम चंद्र, विष्णु प्रभाकर या फिर शरत चंद्र, सभी लोग चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आवारा मसीहा में किसकी जीवनी है और साथ में आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, यानी कि इसमें जो है शरत चंद्र जी की जीवनी है आवारा मसीहा में। बिल्कुल सही विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर जो 4 है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 8 यहाँ पर पूछा गया है, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन माने जाते हैं बताइए। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक ईश्वरीय प्रसाद शर्मा है, रामचंद्र वर्मा है, संपूर्णानंद है या केशव प्रसाद है। 8 में आपके लिए चयन करना है। हाँ प्रियंका उपाध्याय जी, तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन माने जाते हैं कल्पना जी, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया है रामचंद्र वर्मा, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा रामचंद्र वर्मा, यहाँ पर सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन माने जाते हैं बताइए। कलम का सिपाही अमृत राय है, विष्णु प्रभाकर है, शिवरानी देवी है या श्रीपत राय है। क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 का सही राइट आंसर सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन माने जाते हैं, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है कि इसके लेखक माने जाते हैं कौन, अमृत राय, विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही राइट आंसर होगा, अमृत राय जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी ने सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया, मुक्तिबोध की आत्मकथा इसके लेखक आपके लिए बताने विष्णु प्रभाकर है या फिर विष्णु चंद्र शर्मा है या नियमी चंद्र जैन है या मुक्ति बोध है, चयन कीजिएगा क्या होगा सही राइट आंसर। मीरा जी, ममता जी, संध्या जी, मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर 10 में सही राइट आंसर आ रहा है विकल्प नंबर बी, यानी कि विष्णु चंद्र शर्मा, आप सभी का दीपक जी, दीपमाला जी सही राइट आंसर होगा, विष्णु चंद्र शर्मा जिन्होंने भी चयन किया है ये सही राइट आंसर होगा, ये मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 11 पूछा गया, हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय के लेखक कौन माने जाते हैं बताइएगा। स्वामी सत्यानंद है या फिर से प्रसाद हैं, गोपाल शर्मा शास्त्री हैं या चिम्मन लाल वैश्य हैं। अंश जी, क्या होगा सही राइट आंसर।
महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा सुनीत जी, बिल्कुल क्या होगा सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय के लेखक आपको बताना है कौन माने जाते हैं, तो 11 में विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर 11 में सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा गोपाल शर्मा शास्त्री, यहाँ पर सही राइट आंसर है, शास्त्री जी माने जाते हैं हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय के लेखक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 12वां क्वेश्चन है, कलम का सिपाही में किसका जीवन चरित्र वर्णित है बताइए, कलम का सिपाही में बताना है और आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर, एस शर्मा जी, राजीव जी, तन्मय जी, निया जी, और कलम का सिपाही में किसका जीवन चरित्र वर्णित है ये पूछा गया है देवव्रत जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 में विकल्प नंबर सी यानी कि प्रेमचंद्र यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेमचंद्र जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है उत्तर योगी में किसका जीवन चरित्र वर्णन है बताइए, महात्मा गांधी, प्रेमचंद्र, अरविंद या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, अंजलि जी क्या होगा सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 है, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें और सभी लोग आ जाएं जल्दी से इस क्लास में, क्वेश्चन नंबर 13 का सही राइट आंसर चयन करना है सभी के लिए बताइए। सही राइट आंसर है 13 में विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उत्तर योगी में किसका जीवन चरित वर्णित है तो अरविंद आप सभी का सही राइट आंसर होगा, राजन जी बिल्कुल सही, विकल्प नंबर यहाँ पर सी जिन्होंने भी चयन किया है अरविंद उनका सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 14वां क्वेश्चन है, कलम का मजदूर के लेखक कौन माने जाते हैं बताइएगा, शिवरानी है, अमृत राय है, मदन गोपाल है या प्रेमचंद्र है, 14वां क्वेश्चन है, चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं बताइए, कलम का मजदूर के लेखक आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा 14 में विकल्प नंबर जिन्होंने सी चयन किया है मदन गोपाल, उन सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, मदन गोपाल आप सभी का सही राइट आंसर है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर होगा, सुमन जी बिल्कुल सही राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 15वां क्वेश्चन है, महाप्राण निराला के लेखक कौन माने जाते हैं 15 में चयन करना है, गंगा प्रसाद पांडे हैं, रामविलास शर्मा हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी हैं या विष्णु प्रभाकर हैं बताइए, तो लवली जी, तनु जी आप सभी का सही आंसर है महाप्राण निराला के लेखक पूछा गया है 15वां क्वेश्चन है और विकल्प नंबर यहाँ पर जिन्होंने एक चयन किया है गंगा प्रसाद पांडे, गंगा प्रसाद पांडे आप सभी का सही राइट आंसर होगा, ये महाप्राण निराला के लेखक माने जाते हैं, विकल्प नंबर ए आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर है, बहुत बढ़िया सभी का सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 16वां क्वेश्चन है, मिला तेज से तेज में किसका जीवन चरित्र वर्णित है बताइए, महादेव वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुधा चौहान या शांति जोशी, यहाँ पर आपसे पूछा जीवन किसका जीवन चरित वर्णित है ये बताना है, 16वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा 16 में विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान बी वाला विकल्प आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही और बहुत बढ़िया बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर जो बी है वह सही राइट आंसर है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का इसमें वर्णन जीवन चरित वर्णित है, सुधा चौहान इसकी लेखिका मानी जाती हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद घर में कृति के लेखक कौन है माने जाते हैं बताइएगा, लेखक या लेखिका आपको बताना है किनकी कृति मानी जाती है, मदन गोपाल, शिवरानी या फिर अमृत राय या इनमें से कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 17वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और 17 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि शिवरानी, प्रेमचंद घर में है जीवनी की लेखिका मानी जाती है कौन
सेबरानी जी मानी जाती है। मनीष जी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। सुनीत जी विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर है। तन्मय जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य किसकी कृति है। 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अंश जी बताइएगा, शांति जोशी है, सुधा चौहान है, शिवानी है या मृणाल पांडे है। और सही राइट आंसर है यहाँ पर 18 में सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य किसकी कृति मानी जाती है। 18 का आप सभी का विकल्प नंबर एक सही राइट आंसर होगा, यानी कि शांति जोशी। शांति जोशी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर जिन्होंने ए चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 19 पूछा गया है, आवारा मसीहा के लेखक आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं। विष्णु चंद्र शर्मा है, विष्णु प्रभाकर है, अमृत राय है या फिर अमृत लाल नांगर है। 19वां क्वेश्चन है, लाइक अवश्य सभी के लिए करना है जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और 19 में आप सभी का सही आंसर होगा, आवारा मसीहा के लेखक माने जाते हैं कौन। विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर आप सभी का सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर दो जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 20 पूछा गया है, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। बताइएगा 20 का सही आंसर, कविराज गोपीनाथ, प्रेमचंद्र, निराला या फिर बंकिम चंद्र। 20 का सही राइट आंसर चयन करना है राजीव जी, ज्योति जी क्या होगा सही राइट आंसर बताइए। और आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहां पर क्या होगा सही आंसर, तो बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहां पर चयन किया है कि 20 में जो विकल्प नंबर एक है वह सही राइट आंसर है, कविराज गोपीनाथ। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है, कविराज गोपीनाथ यहाँ पर सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर एक आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, 21वां क्वेश्चन है, अग्नि सेतु नामक जीवनी के लेखक कौन माने जाते हैं। 21 का सही राइट आंसर बताना है बताइए। हाँ मंजू जी, 21 का सही आंसर, अग्नि सेतु नामक जीवनी के लेखक आपको चयन करना है कौन माने जाते हैं। और अस्तिक जी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है, विष्णु चंद्र शर्मा। 21 में विष्णु चंद्र शर्मा माने जाते हैं अग्नि सेतु नामक जीवनी के लेखक माने जाते हैं, बिल्कुल सही राइट आंसर विकल्प नंबर सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर रितेश जी सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 देखिए, क्या पूछा गया, चंपारण में महात्मा गांधी के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आपके लिए सही राइट आंसर चयन करना है, मनवत नाथ गुप्त है, भगवती प्रसाद से हैं या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं या फिर शिव सागर मिश्र है। 22 का सही आंसर चयन करना है सभी के लिए, चंपारण में महात्मा गांधी के लेखक कौन माने जाते हैं। और 22 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण में महात्मा गांधी के लेखक माने जाते हैं, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उन सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर जो है चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 23वां क्वेश्चन है, विश्व की विभूतियां के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है बताइए, हरुभाव उपाध्याय हैं, नामवर सिंह हैं, रामविलास शर्मा हैं या गोविंद्र त्रिगुणायत हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया, रजनी वाला जी क्या होगा सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। नीतू जी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 23 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि विश्व की विभूतियां के लेखक कौन माने जाते हैं। और आप सभी का छवि जी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा यहाँ पर 23 में विकल्प नंबर एक यानी कि एक में हरिभाव उपाध्याय आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर विकल्प नंबर ये जो है वह चयन किया है, हरिभाव उपाध्याय।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, हमारे नेता और निर्माता के लेखक कौन माने जाते हैं? शिव प्रसाद से है, रामनाथ सुमन है, या फिर हरिमोहन शर्मा है, या फिर वियोगी हरि है? 24 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। क्या होगा सही आंसर? हमारे नेता और निर्माता के लेखक कौन माने जाते हैं? यस शर्मा जी, और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा 24 में विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा कि हमारे नेता और निर्माता जो हैं ये इसके लेखक माने जाते हैं रामनाथ सुमन। रामनाथ सुमन आप सभी का विकल्प नंबर बी जो है वह यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 पूछा गया है, नए भारत के नए निर्माता के लेखक कौन माने जाते हैं बताइए? नए भारत के नए निर्माता कंचन जी, और इसके लेखक माने जाते हैं कौन? तो चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और सही राइट आंसर है 25 में कि विकल्प नंबर यहां पर जो दिया गया है बी, वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा, राहुल सांकृत्यायन। नए भारत के नए निर्माता राहुल सांकृत्यायन इसके लेखक माने जाते हैं, तो बिल्कुल सही राइट आंसर आप सभी का यहां पर सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहां पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है आस्था जी 26वां क्वेश्चन है, शिखर से सागर तक में किसका जीवन चरित्र वर्णित है बताइए? शिखर से सागर तक बताइएगा, सरल क्वेश्चन पूछा गया, शिखर से सागर तक में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? अरविंद, अज्ञे, काजी नजरुल इस्लाम, या फिर शरत चंद्र? 26वां क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी का यहां पर सही राइट आंसर है तन्मय जी, बिल्कुल सही 26 में विकल्प नंबर जिन्होंने बी चयन किया है अज्ञे, उनका यहां पर सही राइट आंसर होगा, अज्ञे आप सभी का सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहां पर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 27 पूछा गया है, संत दर्शन नामक जीवनी के लेखक कौन माने जाते हैं? संत दर्शन श्याम जी परमार हैं, गंगा प्रसाद पांडे हैं, हरिभाव उपाध्याय हैं, या धर्मवीर भारती हैं? 27वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा? और आप सभी का सही आंसर होगा श्री जी, क्या राइट आंसर? संत दर्शन नामक जीवनी के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का सही राइट आंसर है श्याम जी परमार, श्याम जी आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है 27 में उनका सही राइट आंसर होगा, श्याम जी परमार जी के जो है इसके लेखक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, शिखर से सागर तक जीवनी के लेखक कौन माने जाते हैं बताइएगा? क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है, क्या होगा सही आंसर? दीनदयाल उपाध्याय हैं, या फिर अज्ञे हैं, या राम कमल राय हैं, या लक्ष्मी नारायण लाल हैं? 28वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं, शिखर से सागर तक जीवनी के लेखक कौन माने जाते हैं? और आप सभी का सही राइट आंसर होगा 28 में विकल्प नंबर जिन्होंने सी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, सी वाला विकल्प आप सभी का सही राइट आंसर लगा दें। कल्पना जी बिल्कुल सही राइट आंसर है सी, राम कमल राय आप सभी का सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है राम कमल राय उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 29वां क्वेश्चन है, अग्नि सेतु किसके जीवन पर लिखा गया है? अग्नि सेतु बताइए, अज्ञे जी के, या फिर काजी नजरुल इस्लाम, या फिर शरत चंद्र, या फिर अरविंद? 29वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 29 का सही आंसर बताना है, और 29 का सही राइट आंसर मुनीश जी, रेखा जी, ममता जी आप सभी का यहां पर सही राइट आंसर होगा, अग्नि सेतु किसके जीवन पर लिखा गया है? तो ये लिखा गया है किसके जीवन पर, तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, काजी नजरुल इस्लाम।
विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, मानव पुत्र ईसा जीवन और दर्शन के लेखक कौन माने जाते हैं? 30 का सही आंसर बताना है। रामनाथ सुमन है, डॉक्टर रघुवंश है, बनारसी दास चतुर्वेदी है या विष्णु प्रभाकर है? 30 का सही आंसर, मानव पुत्र ईसा जीवन और दर्शन के लेखक कौन माने जाते हैं? तो अंश जी, माला जी, आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा 30 में विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया है बी, उनका सही राइट आंसर है डॉक्टर रघुवंश। मानव पुत्र ईसा जीवन और दर्शन के लेखक माने जाते हैं कौन? रघुवंश, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डॉक्टर रघुवंश बी वाला जो विकल्प है वह सही आंसर होगा। शेष कथा नामक जीवनी के लेखक कौन माने जाते हैं बताइए? शेष कथा 31वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? रामनाथ सुमन है, राजमल बोरा है, ज्ञानचंद्र जैन है या फिर जैनेन्द्र है? प्रियांशु जी सही राइट आंसर चयन करना है, 31वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है। शेष कथा नामक जीवनी के लेखक माने जाते हैं कौन? शेष कथा रह गई है थोड़ा सा ज्ञान और ले लो, जो है शेष कथा रह गई है थोड़ा सा ज्ञान और ले लो, ज्ञान से ज्ञानचंद्र हो जाएंगे शेष कथा जीवनी के लेखक। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है 31 में वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, महामानव महापंडित की लेखिका आपके लिए बताना है कौन मानी जाती है? सुधा चौहान है, मृणाल पांडे है या फिर यहाँ पर कमला संकृत्यायन है या शांति जोशी है? तन्मय जी बिल्कुल, तो आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा? ज्योति जी, मनीषा जी और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है महामानव महापंडित की लेखिका पूछा गया है कमला संकृत्यायन जी मानी जाती हैं। विकल्प नंबर सी यहाँ पर बहुत सारे लोग बता रहे हैं, कमला संकृत्यायन लगा दीजिएगा सही राइट आंसर, तो बिल्कुल सही लगा दिया विकल्प नंबर 3 में सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 33वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्मृति के झरोके से मैं किसका जीवन चरित्र वर्णित है? 33 का सही राइट आंसर बताना है, राहुल संकृत्यायन, अमृतलाल नागर, भारत भूषण अग्रवाल या फिर अज्ञे, बताइए। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। और स्मृति के झरोके से मैं किसका जीवन चरित वर्णित है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है 33 में विकल्प नंबर सी यानी कि भारत भूषण अग्रवाल आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने अभी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, समय साम्यवादी कृति किसकी है? क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है, रामविलास शर्मा, विष्णु चंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर या फिर कृष्ण बिहारी मिश्र? 34 का सही राइट आंसर चयन करना है, समय साम्यवादी कृति किसकी मानी जाती है? संतोष जी और आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो दिया गया है विष्णु चंद्र शर्मा बी वाला विकल्प है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। तो बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है विष्णु चंद्र शर्मा उनका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है, 35वां क्वेश्चन है, 34वां क्वेश्चन हो गया है। देखिए, रामकृष्ण परमहंस कल्पतरु की उत्सव लीला के लेखक बताना है कौन माने जाते हैं? 35वां क्वेश्चन पूछा गया है, मनमतनाथ गुप्त हैं या फिर कृष्ण बिहारी मिश्र हैं, शिव प्रसाद सिंह हैं या जैनेन्द्र हैं? 35 का सही आंसर चयन कीजिएगा बताइए। संगीता जी, पूजा जी और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? रामकृष्ण परमहंस कल्पतरु की उत्सव लीला के लेखक आपके लिए बताना है और 35 में आप सभी का कंचन जी सही राइट आंसर आ रहा है। विकल्प नंबर
बी राइट आंसर है। कृष्ण बिहारी मिश्र आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है मुनीष वर्मा जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन पूछा है उत्सव पुरुष नरेश मेहता की लेखिका कौन मानी जाती है बताइए। हाँ कल्पना जी बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उत्सव पुरुष नरेश मेहता की लेखिका कौन है, ममता कालिया है, महिमा मेहता है, या फिर शिवरानी है, सकवंत माथुर है। तो क्वेश्चन नंबर आपसे 36 से पूछा गया है कि उत्सव पुरुष नरेश मेहता की लेखिका कौन मानी जाती है, तो वह मानी जाती है कौन, महिमा मेहता। महिमा मेहता विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है महिमा मेहता, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया है विकल्प नंबर बी, आप सभी का सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 37 है आलोचक का स्वदेश, आलोचक का स्वदेश नामक जीवनी के लेखक कौन माने जाते हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, अखिलेश हैं, विजय बहादुर हैं, या नरेंद्र मोहन हैं। 37वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 37 में आपके लिए सभी के लिए चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर। पायल जी आलोचक का स्वदेश नामक जीवनी के लेखक कौन माने जाते हैं, महत्वपूर्ण जीवनी विधा से संबंधित आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 में विकल्प नंबर सी राइट आंसर है विजय बहादुर। विजय बहादुर आप सभी का सही राइट आंसर है, आलोचक का स्वदेश नामक जीवनी के लेखक माने जाते हैं विजय बहादुर। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 38 पूछा गया है देखिएगा नागार्जुन का जीवन चरित्र शोभा कांत ने किस रचना में वर्णित किया है, उसका नाम आपके लिए बताना है कौन सी वह रचना है, मेरे बाबूजी, महाराणा, या निराला की साहित्य साधना, या फिर युग पुरुष निराला बताइए क्या होगा सही आंसर। 38वां क्वेश्चन पूछा गया है नागार्जुन का जीवन चरित्र शोभा कांत ने जिस रचना में वर्णित किया है उस रचना का नाम बताना है, तो 38 में आप सभी का सही राइट आंसर है मेरे बाबूजी, ये जो है इस रचना का जो है नाम है विकल्प नंबर एक, आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बड़े भाई शमशेर जी के लेखक कौन माने जाते हैं, चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 39 पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है यहाँ पर 39 में विकल्प नंबर आपका जो दिया गया है बी वह राइट आंसर होगा, तेज बहादुर चौधरी आप सभी का सही राइट आंसर होगा, तेज बहादुर चौधरी आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर तन्मय शर्मा जी देखिएगा ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 40 है प्यारे हरिश्चंद्र जू की लेखिका बताना है कौन मानी जाती है बताइए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा गया है क्या होगा सही राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 40 में आप सभी का विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, प्रतिभा अग्रवाल आप सभी का सही राइट आंसर है, जिन्होंने बी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, प्रतिभा अग्रवाल आप सभी का जो है सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 41वां क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल के लेखक आपके लिए बताना है, 41वां क्वेश्चन है कौन माने जाते हैं चयन करना है, गंगा प्रसाद पांडे हैं, रामचंद्र तिवारी हैं, अगला विकल्प आपका यहाँ पर दिया गया है चंद्रशेखर शुक्ल हैं या फिर बच्चन से हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है। हाँ तन्मय जी बिल्कुल, तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, रामचंद्र शुक्ल के लेखक आपसे पूछा गया है तो आप सभी का क्या है सही राइट आंसर, सी वाला विकल्प चंद्रशेखर शुक्ल आप सभी का सही राइट आंसर होगा तन्मय जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है माखनलाल चतुर्वेदी जीवनी के लेखक कौन माने जाते हैं बताइए,
तो आप सभी का सही राइट आंसर है श्री जी। देखिए टेलीग्राम ग्रुप का नाम है IAS स्टडी ट्रैक और सेल्फ स्टडी क्लासेस। सेल्फ स्टडी क्लासेस जो है आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो उसी से जुड़ जाइएगा, उसी पर आपके लिए इन क्लासों की लिंक आपके लिए वहीं पर दी जाती है। और आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 में आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही 42 में भी जिन्होंने भी चयन किया है बरुआ, उनका सही राइट आंसर होगा बरुआ, आप सभी का सही राइट आंसर है। सीमा जी अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस जीवनी को दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांति के रूप में बांटा गया है, आपके लिए चयन करना है आवारा मसीहा को, अग्नि सेतु को, योग पुरुष निराला को या प्रेमचंद घर में। 43वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या होगा सही राइट आंसर। किस जीवनी को दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांति के रूप में बांटा गया है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है 43 में। लाइक अवश्य कर लें, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करते जाइएगा। आवारा मसीहा आपका सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, वट वृक्ष की छाया में कीर्ति किसकी मानी जाती है, 44 का सही आंसर बताना है अमृतलाल नागर या फिर कुमुद नागर, ज्ञान चंद्र जैन या फिर विजय बहादुर सिंह। तो वट वृक्ष की छाया में कीर्ति किसकी मानी जाती है, 44वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। 50 क्वेश्चन अपन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, 44 में आप सभी का बी राइट आंसर होगा, कुमुद नांगर कुमुद नांगर आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 45, मंटो जिंदा है किसकी कृति है, बताइए मंटो जिंदा है विश्वनाथ त्रिपाठी, नरेंद्र मोहन, उपेंद्र नाथ अस्क या फिर इनमें से कोई नहीं। 45वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर 45 में बताइए। चार विकल्प दिए गए हैं, लवली जी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, मंटो जिंदा है नरेंद्र मोहन कह रहे हैं मंटो जिंदा ये कीर्ति मानी जाती है नरेंद्र मोहन की। विकल्प नंबर आपका जो बी है वह आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। प्रेमचंद विश्वकोश के लेखक कौन माने जाते हैं, 46वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रेमचंद विश्वकोश के लेखक हैं अमृतलाल नांगर, राम कमल राय या फिर अगला विकल्प आपका यहाँ पर दिया गया है देखिएगा, कमल किशोर गोयनका या फिर श्रीपत राय। तो क्वेश्चन नंबर 46 है और प्रेमचंद विश्वकोश के लेखक माने जाते हैं कौन, 46 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, कमल किशोर गोयनका। कमल किशोर गोयनका आप सभी का विकल्प नंबर जो सी दिया गया है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपके लिए इन जीवनियों का सही अनुक्रम बताना है, ये जीवनियां यहाँ पर दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया है, कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही राइट आंसर होगा बताइए। सुनित जी, अंश जी और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है कि 47 में विकल्प नंबर जो डी दिया गया है, प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, वट वृक्ष की छाया में, व्योमकेश दरवेश, ये डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है कि मकबूल नामक कृति किसकी मानी जाती है, मकबूल बताइए। तो यहाँ पर मकबूल बताना है, मकबूल नामक कृति किसकी मानी जाती है, पुरुषोत्तम अग्रवाल, अखिलेश, नरेंद्र मोहन या विश्वनाथ त्रिपाठी। 48वां क्वेश्चन पूछा गया है और 48 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा, मकबूल नामक कृति किसकी मानी जाती है, तो विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया है, हाँ तन्मय जी बिल्कुल, मैच भी चल रहा है और अपनी क्लास भी चल रही है, 48 में आप सभी का बी राइट आंसर होगा, अखिलेश। मकबूल नामक कृति किसकी है, अखिलेश जी की एक कृति मानी जाती है, विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। चिंतामणि चिंतक, रामचंद्र शुक्ल
के लेखक कौन माने जाते हैं बताइए। हाँ सुनित जी, चिंतामणि चिंता के रामचंद्र शुक्ल के लेखक कौन माने जाते हैं? राजमल बोरा हैं या फिर बरुआ हैं या फिर कृष्ण बिहारी मिश्र हैं, रामनाथ सुमन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, 49 का विकल्प नंबर एक आप सभी का सही राइट आंसर होगा, राजमल बोरा आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, चिंतामणि चिंतक रामचंद्र शुक्ल के लेखक माने जाते हैं राजमल जी, विकल्प नंबर एक आप सभी का सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समय साम्यवादी में किसकी जीवनी है बताइए, अमृतलाल नागर, भारत भूषण अग्रवाल, भारतेंदु या राहुल सांकृत्यायन। 50वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 50 में आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर, समय साम्यवादी में किसकी जीवनी है और आप सभी का यहां पर सही राइट आंसर होगा, 50 का राइट आंसर है राहुल सांकृत्यायन, विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहां पर सही राइट आंसर है राहुल सांकृत्यायन। पूजा देवी जी, समय साम्यवादी में किसकी जीवनी है, राहुल सांकृत्यायन, विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है, डी जिन्होंने भी चयन किया है सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। इस प्रकार के आज के क्वेश्चन थे, अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज की क्लास में। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइएगा, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। अभिषेक जी और सभी लोगों के लिए यहाँ पर 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं, जो भी टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहता है मात्र 299 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हैं, 4700 इसमें प्रश्न दिए गए हैं, ये नंबर दिया गया जो परचेस करते हैं इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर, और इस ऐप की जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लें और जो भी परचेस करना चाहते हैं मात्र 299 रुपए में परचेस कर सकते हैं। कल्पना जी, शिल्पा जी, लवली जी, आस्था जी, ज्योति जी, प्रीति जी, तनु जी, अभिषेक जी, मनीषा जी, मुनीश जी, पूजा जी, देवव्रत जी, ममता जी, तन्मय जी, मंजू जी, संगीता जी, रेखा सिंह जी और संगीता जी, नीता जी, आस्था जी, मंजू जी, देवव्रत पांडे जी, एस शर्मा जी, श्री जी, सुनीत जी और रितेश जी, तनु जी, ज्योति जी, पायल जी, संतोष जी, सरिता जी, कविता जी, आलोक जी, नेहा जी, कंचन जी, कल्पना जी, शिल्पा जी और सुभाष जी, प्रीति, प्रवीत जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू जी, तन्मय जी बिल्कुल, तो आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। दीपमाला जी और एस शर्मा जी ने इसकी जो है PDF नहीं मिलती है, और देवव्रत पांडे जी, नेहा जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और संगीता जी, सुभाष चंद्र जी, कंचन यादव जी, रंजना जी, अंश जी, बिल्कुल सही अंश जी, बहुत बढ़िया, राजीव जी, देवव्रत जी, अभिषेक जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक अवश्य करके जाना है सभी के लिए जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फाइम जी, मंजू जी, आज के वीडियो में बस इतना ही, राजू शुक्ला जी, पूजा जी और नेहा जी, लवली जी, बिल्कुल, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए शुभरात्रि और सभी